नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करियर काउंसलिंग में। दोस्तों, जब भी आप ट्रेन से सफ़र कर रहे होते हो तो आपने रेलवे ट्रैक के किनारे कई सारे साइन बोर्ड देखे होंगे और अक्सर ये सोचा होगा कि इन साइन बोर्ड का मतलब क्या है। आज हम इस वीडियो में उसी साइन वीडियो के मतलब के बारे में जानेंगे कि वो किस लिए बनाए जाते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए ये वीडियो पूरा देखिए। जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि कृपया सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि ऐसे अपडेट्स और ऐसे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। दोस्तों, जब आप ट्रेन से सफ़र कर रहे होते हो तो अक्सर रेलवे ट्रैक के किनारे कई सारे साइन बोर्ड आपको नज़र आते हैं। उन साइन बोर्डों पर कुछ लिखा होता है या कुछ मार्किंग होती है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्मली आपको कैसे साइन बोर्ड नज़र आते हैं रेलवे ट्रैक के किनारे। तो वो साइन बोर्ड इस तरीके के हो सकते हैं, जिन पर CT, WCF, WB, WL या एरो बना हुआ होगा, जो कि एरो की एक तरफ की दिशा दिखा रहा होगा। दोस्तों, ये सारे साइन बोर्ड ड्राइवर के लिए होते हैं, ताकि जब यात्रा के दौरान उन्हें कुछ बताया जाए और उन्हें दिक्कत ना हो यात्रा पूरी करने में। आइए अब हम एक एक करके ये जानेंगे कि इन साइन बोर्डों का क्या मतलब है और वो किस लिए बनाए जाते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं WL, WCF और WB साइन बोर्ड के लिए। ये विसल इंडिकेटर बोर्ड माने जाते हैं। अगर साइन बोर्ड पर W लिखा है, मतलब यह नॉर्मल विसल के लिए इंडिकेट करता है। जैसे यात्रा के दौरान ड्राइवर को नॉर्मल विसल मारनी चाहिए, उसका इंडिकेशन W बोर्ड करता है। अगर बोर्ड पर WL या CF लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आगे कुछ दूरी पे मानव रहित पाठक आने वाला है, जिसके लिए वो इंडिकेट करता है। जब ट्रेन ऐसे इंडिकेटर को देखती है तो वहाँ पर विसल मारती है, ताकि आगे जो भी पाठक आ रहा है वहाँ पर एक्सीडेंट ना हो और लोगों को पता चल जाए कि हाँ, ट्रेन आ रही है। नॉर्मली 250 मीटर पहले ऐसे साइन बोर्ड बनाए जाते हैं। अगर साइन बोर्ड पर WB लिखा है, इसका मतलब आगे कोई ब्रिज आने वाला है और उन्हें विसल मारते हुए उस ब्रिज को क्रॉस करना है। नॉर्मली ये 100 मीटर पहले ऐसे साइन बोर्ड बना दिए जाते हैं ब्रिज के, ताकि ड्राइवर को समझ में आ जाए कि आगे जो ब्रिज आ रहा है उसे विसल मारना है, और जब वो ब्रिज क्रॉस कर लेगी तब वो अपना विसल बंद करेगी। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि एरो की मार्किंग में येलो कलर का एक इंडिकेशन बोर्ड होता है। ये कॉशन इंडिकेटर बोर्ड है, मतलब आगे कुछ काम चल रहा है, टेम्प्ररी या परमानेंट। जब ड्राइवर ऐसे साइन बोर्ड को देखता है तो एरो जिस दिशा में होता है उसे समझ में आ जाता है कि वहाँ पे कुछ काम कर रहा है, और इस अनुसार वो अपनी गाड़ी स्लो कर लेता है। नॉर्मली जहाँ पे काम चल रहा होता है वहाँ पे 800 मीटर से 1 किलोमीटर के पहले ऐसा बोर्ड लगा होता है, ताकि ड्राइवर को समझ में आ जाए, वो अपनी गाड़ी की जो स्पीड है उसे नॉर्मल कर ले, ताकि एक्सीडेंट ना हो और कोई दिक्कतें ना हो। और जिस तरफ एरो का साइन होता है उस तरफ ऐसा काम चल रहा होता है। आपने कई जगह ट्रैवल करते हुए रेलवे पटरियों के किनारे CT का भी बोर्ड देखा होगा, जिसका मतलब होता है कॉशन ऑर्डर फॉर टनल, मतलब आगे कोई टनल आने वाला है। ये इंडिकेशन मिलता है ड्राइवर को और वो उसी अनुसार अपनी गाड़ी की स्पीड को कम कर लेता है। नॉर्मली टनल के 700 से 800 मीटर पहले ऐसे बोर्ड लगाए जाते हैं। आप जब भी कभी टनल को क्रॉस करोगे तो आप देखोगे ये बोर्ड आपको लगा हुआ ज़रूर मिलेगा। ये एक तरीके का कॉशन है कि भाई आगे टनल है। जब भी आप राजधानी शताब्दी या दुरंतो जैसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हो तो आप स्पीड लिमिट बोर्ड भी देखते हो, क्योंकि ये ट्रेन काफ़ी हाई स्पीड चलती है, तो कई जगह स्पीड लिमिट का बोर्ड लगाया होता है, ताकि ड्राइवर अपनी स्पीड को नियंत्रित रखे और कोई दिक्कत ना हो। ये मेनली जो हाई स्पीड ट्रेन है उन्हीं के लिए ये बोर्ड लगा होता है। नॉर्मल स्पीड ट्रेन के लिए ये बोर्ड नहीं लगा होता है। ये स्पीड लिमिट बोर्ड ट्रेन की गति को नियंत्रित रखने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि ट्रेन की जो लास्ट डब्बे हैं उसके पीछे क्रॉस का मार्किंग लगा होता है, और आप हमेशा सोचते होंगे इस क्रॉस मार्किंग का मतलब क्या है। इस क्रॉस मार्किंग का मतलब ये है कि यह उस ट्रेन की लास्ट डब्बी है और इसके बाद कोई भी डब्बा नहीं है। इससे ये पता चल जाता है कि कोई डब्बा ट्रेन का छोटा नहीं है और सारे डब्बे अटैच हैं। ये एक तरीके का सिक्योरिटी मेजर है, जो कि लोगों को देखने के लिए, समझने के लिए आसानी होती है। आजकल तो इस क्रॉस मार्किंग के साथ साथ एक रेड कलर की लाइट भी जलती है पीछे, जो कि इंडिकेटर होती है इसी बात का कि यह ट्रेन का लास्ट डब्बा है। दोस्तों,
तो जब आप ट्रेन से सफ़र कर रहे होंगे अगली बार, तो आपको समझ आ जाएगा कि किस साइन का क्या मतलब है और क्यों ट्रेन के पीछे एक रेड कलर का क्रॉस मार्किंग साथ ही साथ लाइट चलती रहती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए वीडियो को, साथ ही साथ ऐसे और भी कई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन और लाइक बहुत ही ज़्यादा मुझे प्रोत्साहित करेगा फ्यूचर के लिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन जितना हम शेयर करेंगे वो जानकारी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। धन्यवाद दोस्तों। Please like and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates from time to time. Like and share the video, comment in comment box. Subscribe the channel.